हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे हो गए। सो गाइस, कल एक न्यूज़ आई थी जो कि काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि जिनको आप अपने आइडल मानते हो, उनका अगर उनके साथ अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो यार लगते यार हिट करते कुछ भी वो सब चीज़ें। सो गाइस, जट प्रभजोत सर का एक्सीडेंट हो गया था। अभी वो दिल्ली टू नेपाल की ट्रिप कर रहे थे अपने H2 के साथ, जो कि उन्होंने रिसेंटली परचेज करी थी। मैं छोटा क्रिएटर हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। सो गाइज, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स यार। गाइज, अगर सपोज करो जो भी बंदे कर रहे हैं, उनको बोल रहा हूँ मैं, जो भी बंदे फेक थंबनेल लगा के फेक टाइटल्स लेके व्यू पा रहे हैं, लगे पड़े इस टाइम पे भी अपना चैनल को लेके इतने इस टाइम पे पैसे कमाने में, सो गाइज उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा। सपोज करो अगर आपके फैमिली मेम्बर के साथ या आपके साथ भी हुआ होता, और अगर कोई और कर रहा होता फिर ये चीज़, तो यार फिर कैसा लगता आपको? वही यार, अभी उनके फैमिली मेम्बर पहुंचे हैं, और पहले ये क्लिप देखो आप। दबाओ मत, दबाओ मत, टाइट है, 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 दर्द है, डॉक्टर। सो गाइस, उनके किसी रिलेटिव ने भी अभी वीडियो बना के डाली है। सो उन्होंने बताया कि वो अभी ICU में है और क्रिटिकल कंडीशन में है। तो अभी अभी प्रभजोत का ऑपरेशन डन हो गया है और मैं उसको मिल के आया हूँ। तो अभी वो अंडर कॉन्शियस है और डॉक्टर ने बोला है कि 72 hours उसको मतलब ICU में रखना है और क्रिटिकल पोजीशन में है। सो सब प्रे करो यार उनके लिए, अभी प्रे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि दवाइयों से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं, इस टाइम पे उनको दुआ की ज़रूरत है। सो गाइज, इस टाइम पे प्रे करो उनके लिए। और गाइज प्लीज़ यार बंद कर दो, जो भी व्यू के लिए कर रहे हैं ना ये बंद कर दो यार। मैं छोटा क्रिएटर हूँ लेकिन यार बुरा लगा था यार, इसलिए मैंने इस पे इस टॉपिक को मैं लेके आया। लिटरली गाइज काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था यार कि बंदे के साथ इंसानियत है ही नहीं बंदों में। एक इंसानियत होती है कि हाँ यार किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, किसी का भी हुआ है। और गाइज लिटरली यार वो ओल्ड मैन थे, उनके साथ टक्कर हो गई बाइक की और वो अंकल की भी डेथ हो गई है। सो गाइज निकलते हैं मोटो व्लॉग के लिए। क्या ही कर सकते हैं यार, हम तो प्रे कर सकते हैं उनके लिए और होप जल्दी सही हो जाए, गेट वेल सून पाजी, और निकलते हैं मोटो व्लॉग के लिए। तो लेट्स गो गाइज। सो व्हाट इज़ द पीपल्स, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो गाइस, अभी का प्लान ऐसा है कि विक्की फ़ोन करके कह रहा था भाई हमें भी ले चल घूमने के लिए। सो गाइस उसको भी ले लेते हैं बेचारे को, तो कहता भाई मुझे भी घूमना है। तो गाइस विक्की भी मिल रहा है हमें MAT पे, MAT स्कूल पे, और हम भी पहुंच रहे हैं वहाँ पे। सो फिर साथ में देखते हैं कहाँ जाने का प्लान बनता है। सो गाइस, मैंने हाफ स्लीव्स के टी शर्ट पहन रखी है और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। लिटरली गाइस जब मैं निकल रहा था तो मुझे फील नहीं हुआ ऐसा कि ठंड है, और एकदम से माइंड में भी नहीं आया। बंदा चढ़ चुका है पुलिस वाले के हत्थे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं MAT इंटरनेशनल स्कूल। बाइक लगाते हैं यहाँ पे, कॉल करते हैं उसे, भाई कहाँ है? कि आ गया, देखो ओरा, क्या बात है कि बाइक वाइक चलाना सीख गया। अरे बेटे बिली मार के दिखाना नहीं प्लीज, ठंड लग रही है। अबे यार साले मैं हाफ पहन के आ गया, देख मैं भी तो हाफ पहन के।
सो गाइस लेट्स गो। गाइस विक्की कहाँ रह गया पता नहीं, लगता है पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गया। सो गाइस पीछे जाके देखना पड़ेगा नहीं तो क्या पता उसे मारा वारा हो। सो गाइस ये रहा बच के निकल गया। लूंगा भाई देखते हैं लेते हैं। अरे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे जा। यार तू कुछ जा तू सो गाइस मुझे लग ही रहा था कि विक्की नहीं जा पाएगा इतनी दूर। या मैंने ऐसे प्लान बनाया कि चलते हैं इंडिया गेट वगैरह घूम के आते हैं, रात में राइडिंग करने में मज़ा आता है। कह रहे मम्मी पापा बोलेंगे, मैंने बोला भाई जब बोलेंगे तो फिर मत जा। तो भाई वो पहले बुला लेता है कि भाई मुझे भी ले जाया कर घूमने वूमने, फिर लास्ट में कह देते हैं मम्मी पापा बोलेंगे। तो कोई नहीं गाइस हम अकेले चलते हैं। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ इंडिया गेट ना जाके ऐसी एक छोटी सी राइड मारी जाए अक्षरधाम वाली रोड पे। सो गाइस रात में आता है राइडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा। लोग आए अक्षरधाम पहुंच गए हम, सामने दिखाई दे रहा हो अक्षरधाम, होप आपको भी दिख रहा हो। तो गाइस व्यू चेक करो हम पहुंच चुके हैं अक्षरधाम। तो गाइस कितनी प्यारी जगह है।
यहाँ पे मस्त सीटिंग अरेंजमेंट भी कर रखी है बैठने के लिए, बैठ के आप व्यू का आनंद ले सकते हैं यहाँ पे मस्त बैठ के। सो गाइस पीछे व्यू तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा। ये क्या है पता नहीं, तो गाइस अब थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर वापस निकलते हैं अपने घर के लिए। अप्रोक्स 2-3 साल बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। ये इसके यहाँ के फेमस चाप है जगदम्बे, जय जगदम्बे जी चाप। तो गाइस पहले चाप खा लेते हैं यहाँ से। स्कूल टाइम पे आते थे हम यहाँ पे, मैं और विक्की लक्ष्य वगैरह सब आते थे, तो बहुत दिनों बाद खाते हैं यहाँ पे और फिर चलते हैं घर वापस। मलाई चाप हमारी रेडी हो गई है, मैंने हाफ मलाई चाप करवाई है और 2 रोटी करवाई है, रुमाली रोटी। हमने चाप और अब निकलते हैं सीधा घर के लिए और राइड भी हो गई, खाना पीना भी हो गया। सो गाइस अब चलते हैं सीधा घर और दिखाता हूँ आपको मज़ा आएगा। सो गाइस अब टाइम हो रहा है 9:30 और हम घर पहुँच चुके हैं और हमसे हमारे एक क्यूट सा सब्सक्राइबर मिलने आया है। ये रहा, सारी वीडियोस देखते हो? हाँ। A to Z? हाँ, की तो देखूंगा, उल्टा नहीं लटका देंगे। सो गाइस ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बंदा सही में सब्सक्राइबर है हमारा और काफी साल है। वीडियो करता हूँ मैं यहीं पे एंड और मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस प्रे करो कि पाजी जल्दी से रिकवर हो जाए और गेट इन सून पाजी, आपसे कल एक और बेहतरीन व्लॉग के साथ। बाय गाइस।